हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन 4NO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू N2O5 गैस। डेल्टा एच इसके लिए कितना है? -111 किलो जूल है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि N2O5 की फॉर्मेशन हो रही है, एक मोल बन रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। ठीक है, और बस अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि N2 कितने हैं, दो हैं, यहाँ पर चार लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितने हैं, पांच, तो यहाँ पर कितने लिखे हैं, 10 लिखे हुए हैं। ठीक है, सो ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये अपनी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। सो अगर ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये अगर अपनी बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड भी नहीं मान सकते, क्योंकि एक मोल तो बन रहा है लेकिन ये एटम्स बैलेंस नहीं हो रहे, एटम का कंजर्वेशन नहीं हो रहा पूरा प्रॉपर। सो इसका मतलब ये जो इस रिएक्शन के लिए सर्टेनली क्या है, ये डेल्टा एच की वैल्यू ये रिलीज हो रही है, किलो 111 किलो जूल। इफ N2O5 सॉलिड हमने ले लिया, इस फॉर्म इंस्टेड ऑफ N2O5 गैस, इस रिएक्शन में N2O5 गैस बन रहा है, बट मान लो कि ऐसी रिएक्शन हो जाए जिसमें N2O5 सॉलिड बन जाए, सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी उस केस में? ठीक है, सो एक तो रिएक्शन आपके पास क्या हो गई, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू N2O5 गैस। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है -111 किलो जूल। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सेम रिएक्शन हो जाए बट इसमें क्या हो जाए, N2O5 सॉलिड बन जाए। सो सेम रिएक्शन मैंने लिख ली है, राइट, इस तरीके से, बस इसमें N2O5 सॉलिड बन जाए, तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, और गिवन क्या है हमें कि थर्ड रिएक्शन आपको एक गिवन है कि आपके डेल्टा एच का सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन है किसके लिए, N2O5 सॉलिड के लिए। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि सॉलिड फेज डायरेक्टली वेपर फेज में चले जाए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, यानी कि आपका जो N2O5 सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, N2O5 गैस में। ठीक है, सो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू गिवेन है वो 54 किलो जूल पर मोल गिवेन है। ठीक है, सो अब आपको सेकेंड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे सेकेंड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज, कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं क्या कर दूं कि फर्स्ट रिएक्शन को ले लूं, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में और सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट बिल्कुल कॉमन है, सेम नंबर ऑफ मोल्स और सेम साइड में है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड रिएक्शन में मुझे N2O5 सॉलिड स्टेट में चाहिए बट फर्स्ट में वो गैस स्टेट में है, थर्ड में N2O5 सॉलिड में है बट वो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि मैं थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से। सो -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो N2O5 सॉलिड जो थर्ड रिएक्शन में वो कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड में चले जाएगा। फिर क्या कर दूं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज रख के ऐड कर दिया जाए थर्ड के साथ में -1 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे सेकेंड रिएक्शन मिल जाएगी। तो सिमिलरली इनके एनर्जी टर्म्स भी हेस लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, सेम मल्टीप्लीकेशन या सेम ऑपरेशंस को फॉलो करेंगे, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन को तो एज इट इज रखा -111 किलो जूल और थर्ड रिएक्शन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सो ये हो जाएगा -1 से मैंने मल्टीप्लाई करा एनर्जी को, दैट इज 54 को, और फिर ऐड कर दिया। सो -111 -54, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -165 किलो जूल पर मोल। ये आपकी एनर्जी वैल्यू होगी। सो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।